हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पौंडरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज हम 29 सितंबर 2020 के करंट अफेयर करने वाले हैं। और करंट अफेयर करने से पहले हम 28 सितंबर 2020 का जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना था, तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन था, सितंबर 2020 में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो आंसर था वो था दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर था। देखते हैं 29 सितंबर 2020 से करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने IPL 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 224 रनों के इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वोच्च लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल इसका सही आंसर है, राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नासा। नासा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अनपैक खुली सिगरेट की और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम का डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना 79वां स्थान दिवस मनाया भारत के कितने अविश्वसनीय स्कूल बच्चों के लिए CSIR इनोवेशन अवार्ड्स की घोषणा की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, किसने बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियाँ बताती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद नीलकांतन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के शोधकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसे टाइगर रिजर्व में अभयचरों पर किए गए एक अध्ययन में इस क्षेत्र में 5 प्रजातियों की सूची बनाई गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, हमको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किसे 2 साल के लिए C8 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। C8 का ब्रांड एम्बेसडर, तो C8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो C8 का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो आमिर खान को किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैटर्न चीफ मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने टूरिस्ट स्टेशनों पर मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, सितंबर 2020 में मित्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सितंबर 2020 में मित्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिशा पटानी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स किसने लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है वो किसने लॉन्च की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह ने इसकी लॉन्च की है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने वाले ऐप एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त हस्ताक्षरित किया गया है। एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो बने हैं रॉबिन उथप्पा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किसने सेक्टर 23 द्वारका पुलिस स्टेशन में अम्ब्रेला प्रोजेक्ट निर्माण के तहत एक वेलनेस सेंटर ओपन जिम और योगा पार्क का उद्घाटन किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा SN श्रीवास्तव इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, सितंबर 2020 में COVID-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार GS अमूर का सितंबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 4। इसका बिल्कुल राइट आंसर 1996 राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 निम्न में से किसे भाषा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कश्मीरी और डोंगरी। इसका बिल्कुल राइट आंसर, मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार GDP के मौजूदा 1.15% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर 2.5% करने के लिए किस वर्ष का प्रतिबद्ध है। तो 17 का आंसर हो जाएगा अपना 4 2025। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, COVID-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में अभियान उड़ीसा बाय रोड किसने शुरू किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा ज्योति प्रकाश परिग्रही। ज्योति प्रकाश परिग्रही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाभा किशोर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाभा किशोर दास ने अभी कोविड-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में अभियान उड़ीसा बाय रोड लॉन्च किया है। उड़ीसा बाय रोड लॉन्च किया है तो इसका थर्ड ही सही आंसर था। तो ये थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थर्ड ज्योति प्रकाश पणिग्रही इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु क्या थी। तो विश्व जो रेबीज दिवस था उसका हो जाएगा अपना एंड रेबीज कोलेब्रेट वैक्सीन इसका विषय वस्तु था। तो ये थे 19 क्वेश्चन 29 सितंबर 2020 के। और हम अब एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कब मनाया जाता है इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।